है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि एंड्रॉइड 10 आने वाला है थोड़े दिन में, यानी अगस्त एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में दिख जाएगा। अभी ज़्यादातर फ़ोन के अंदर यानी कि हैंडसेट के अंदर एंड्रॉइड 9 पाई यूज़ कर रहे होंगे, आपको आपके फ़ोन के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है एंड्रॉइड क्यू। तो हर साल गूगल ने अपने ठीक अगस्त सितंबर के महीने में नए नए अपग्रेड करता रहता है, तो इस साल भी वो एंड्रॉइड क्यू अपग्रेड करने का टाइम दे रखा है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे फीचर्स जो कि एंड्रॉइड 10 में आने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके यहाँ पे ऑल ऑप्शन में कर देना ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको मिले। और तो दोस्तों 2019 के लास्ट तक आपको बहुत सारे एंड्रॉइड फ़ोन में फोल्डेबल मॉडल देखने को मिलेगा, तो इससे गूगल ने इस फ़ोन के अंदर काफ़ी अलग से फीचर्स देने वाला है, तो इसीलिए इसके अंदर एंड्रॉइड 10 का लाने का वादा किया है। जो फोल्डेबल फ़ोन आएगा उसके अंदर आपको एंड्रॉइड 10 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एंड्रॉइड 10 के साथ आप बड़े आसानी से यूज़ कर पाएंगे डार्क थीम। अभी फ़िलहाल आप डार्क थीम अगर यूज़ कर रहे होंगे आपके फ़ोन के अंदर, थोड़ा ही कुछ सेटिंग यानी नोटिफिकेशन पैनल हो या आपके बैकग्राउंड यानी कि ऐप ड्रॉयर का बैकग्राउंड आप डार्क मोड कर सकते थे, बट एंड्रॉइड 10 आने के बाद आप फ़ोन की एवरी चीज़ यानी कि कोई भी पोजीशन किसी भी स्क्रीन पर चले जाओ, अगर आपने डार्क मोड ऑन किया है तो हर ब्लैक हो जाएगा, यानी डार्क मोड सारे यूज़ कर पाएंगे एंड्रॉइड 10 आने के बाद। तो दोस्तों अभी तक जैसे आपने एंड्रॉइड 9 पाई के अंदर आइकन शेप चेंज कर सकते थे, सेम टू सेम आप एंड्रॉइड क्यू के अंदर भी अपने आइकन शेप चेंज कर सकते हैं। आई थिंक इसके अंदर ऑप्शन आ जाए कि कोई आइकन वगैरह अलग से थर्ड पार्टी आइकन यूज़ करने के लिए या आइकन का थीम चेंज करने के लिए, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ अपडेट आ जाए। स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर आप एंसेंट थीम चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपके जो बॉर्डर वगैरह या लेटर वगैरह का कलर आप चेंज कर सकते थे सेटिंग्स वगैरह में जाके, बट इसके अंदर एंड्रॉइड 10 आने के बाद आपको एंड्रॉइड 10 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एक कलर एंसेंट चेंज करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ आपको थीम के लिए नहीं है, आप किसी भी चीज़ का बॉर्डर और हाईलाइटेड के लिए आप थीम कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो एंड्रॉइड 10 में। तो दोस्तों एंड्रॉइड क्यू में भी अगर आईफोन की तरह जब भी एक फीचर्स आने वाला है सेटिंग्स के अंदर, जब भी आप कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर फर्स्ट ओपन करोगे तो आपको हर बार आपको लोकेशन शेयर करने के लिए ऑप्शन मांगेगा, ये उसके अंदर एक इनबिल्ट होकर सेटअप आया। तो आने वाले दिन में और भी इसके ऊपर पूरे डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों एंड्रॉइड 10 के अंदर या एंड्रॉइड क्यू जिसको आप कह रहे हो, इसके अंदर कैमरा की परफॉर्मेंस काफ़ी गजब होने वाला है। तो दोस्तों ये एंड्रॉइड क्यू का जो अपडेट है सबसे पहले गूगल पिक्सेल वाला फ़ोन के अंदर आएगा, इसके बाद हाई एंड डिवाइस जैसे आप कहते हो वन प्लस सेवन प्रो इस टाइप के फ़ोन को आएगा, साथ में गैलेक्सी 9 इस टाइप के सीरीज़ के लिए सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड क्यू का अपडेट। दोस्तों अक्सर हम एंड्रॉइड का कोई ना कोई नाम लेके आता है, जैसे आप एंड्रॉइड 9 का एंड्रॉइड पाई के नाम से आया, जैसे आप पिछले दिनों नोगट का आया था 8.1। एंड्रॉइड क्यू जब रिलीज हो जाएगा, एंड्रॉइड क्यू जब मार्केट में आपके फ़ोन में देखने को मिलेगा या उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि ये स्टॉक एंड्रॉइड के लिए ऑफिशियली रिलीज किया गया है, उस टाइम आपको उसका नाम देखने को मिलेगा क्यू से कौन सा नाम हो सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्यू से कौन सा नाम होना चाहिए एंड्रॉइड क्यू का। या बस यही था आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।